पन्ना में स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पन्ना जिले में पहली बार करणी सेना के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई। इसके पहले महिला विंग के पदाधिकारी नियुक्त थे, जिसमें राघवेंद्र सिंह को करणी सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके बाद करणी सेना के द्वारा पवई अमानगंज पन्ना में विशाल रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। करणी सेना के स्थापना दिवस के साथ साथ स्थानीय बग्गी खाने में करणी सेना के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। पूर्व सांसद और राज परिवार के सदस्य का कहना है कि लोगों को SC ST एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। इस एक्ट का दुरुपयोग होता है, इस पर विचार करना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अध्यक्ष का कहना है कि ST SC एक्ट का विरोध करने के लिए जितने भी राजपूती संगठन हैं, करणी सेना सभी सवर्ण अल्पसंख्यक को शामिल कर ST SC एक्ट का विरोध करेंगे। आज करणी सेना का स्थापना दिवस है और उसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं पन्ना के क्षत्रिय सभा की, उनका स्वागत करें। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम यही है कि यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है आज और स्थापना हो रही है, करणी सेना का अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और उनका ही स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं हम लोग। मेरे ख्याल से करना चाहिए और आज तो भारतवर्ष में ये एक्ट है या नहीं है ये भी सोचने की बात है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं कि एक्ट है और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं एक्ट नहीं है, तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा भविष्य। मुझे लगता है कि भविष्य में केंद्र सरकार भी सोचेगी और इस एक्ट के विरुद्ध जाएगी। दुरुपयोग तो होता ही है, कोई भी हरिजन आदिवासी बोल दे कि झूठी बोल दे कि हमारे को डंडा मारा, वो जेल चला जाएगा बिना डंडा मारे। ये इसके ऊपर विचार होना चाहिए और विचार होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को अरेस्ट न किया जाए और केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा है कि ये नहीं चलेगा। अगर ये बात दोनों सरकारों के बीच में ही अटकी हुई है तो हम भी अटके। देखिए, अभी पिछले 6-7 दिन पहले जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय करणी सेना के, लोकेंद्र सिंह कालवी जी का आगमन हुआ था सागर और आपके राजनगर छतरपुर पन्ना में। उन्होंने राघवेंद्र सिंह परमार छोटे राजा कुम्हारी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उन्हीं के एक तो उनका स्वागत है और रैली है, एक मंचीय सभा का आयोजन भी किया जाएगा और जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना SC ST एक्ट का, उसका पुरजोर विरोध क्षत्रिय सभा कर रही है, पूरे क्षत्रिय समस्त कर रहे हैं, करणी सेना और यहाँ पे ना सिर्फ करणी सेना बल्कि क्षत्रिय महासभा जितने भी राजपूती संगठन हैं सब इकट्ठे हैं, क्योंकि इस एक्ट के खिलाफ में ना सिर्फ क्षत्रिय बल्कि सभी सवर्ण अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग सबको हम लोग सम्मिलित करेंगे और इस एक्ट का पुरजोर विरोध करेंगे। और युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है इस रैली को लेकर, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पहली बार पन्ना में हो रहा है। करणी सेना का अभी तक यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं था, महिला विंग की सिर्फ यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, दीदी हैं जो, पुरुषों में पहली बार हुआ है, तो आप सोचिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, सिर्फ सुन सुन के सारे जिले के युवा यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से वाहन रैली निकालेंगे, किशोर जी मंदिर में जाके वहाँ पे मत्था टेकेंगे, फिर आके आपका क्षत्रिय महासभा का कार्यालय जो बग्घी खाना में है वहाँ पे मंचीय कार्यक्रम किया जाएगा। पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है, मैं कादिर। कलेक्टर पन्ना के निर्देशानुसार जिले भर में मतदाता जागरूकता स्वीप गतिविधियाँ जारी हैं। इसी अनुक्रम में ब्रजपुर माध्यमिक विद्यालय द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोमवार का दिन चुना गया। सोमवार को ब्रजपुर में हाट बाजार लगता है, आसपास के गांव के लोग एकत्रित होते हैं। हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूक करने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसी तारतम्य में विद्यालय द्वारा चित्रकला निबंध कैंडल मार्च निकालकर गांव-गांव की जनता को मतदान के लिए जागरूक किया। भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, टूटी फूटी सड़कें बनवाऊंगा,
और अपने क्षेत्र का काफी विकास करूंगा। बस आपका एक वोट चाहिए मुझे। तालियां। तो पता नहीं पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। हमें नहीं क्या पता साहब, रात के लागू हो गई होंगे। लाइसेंस लिए हो, वोट डालने गए हो? नहीं जाने साहब, नहीं जाने। आ रहा लोगों ने तो मैंने कहा जा रही सरकारी आते तो हाथ घूम भी जा रहे कहे तो मैंने तो वोट डाल भी नहीं जाने। हमें नहीं जाने वोट डाल भी कहा वोट डाल के नहीं जाने। कभी ये कहाँ जा रहे? बस घूमने आ जा रहे थे। तुम कहे वोट डाल भी नहीं जाने, क्या करने वोट डाल के? कहे हमें एक वोट की कीमत मिल गई। सही किसी हमें 5,000 रुपया मिले, तुम्हें कितने मिले? अरे हमें तो 10,000 मिले। तुम्हें कितने मिले? अरे भैया हमें 15,000 मिले। चलो मैं फिर घूमने चले। चलो का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है। मैं आपका आपके क्षेत्र का काफी विकास करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? साईं साहब मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या हो गया साहब? मैंने इस बार अच्छा नेता नहीं चुना था, इसलिए मेरी कोई सुन नहीं रहा। क्या हो गया साहब? मैं अस्पताल जा रहा था, मेरा बेटा बीमार था और ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, जिसके कारण मैं अपने बेटे को बचा ना सका। तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगली बार सही नेता का चुनाव करना। तो भैया बड़ी परेशान दिख रहे हैं, क्या होगा? और भैया बहुत परेशान हैं हम भाई। अरे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई भैया। अरे सही कह रहे भैया, सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए हैं आजकल, पेट्रोल के कुछ दिन में 100 के ऊपर पहुँच जाने। भैया कह रहे भैया तो सही कही भैया, अगर योजना वोट की कीमत न लगी होती तो आज ये मुसीबत अपने सामने ना आती, इसलिए सही नेता को सही गए भैया। अरे भाई फोटो तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई तुम फोटो भारत के मतदाता है, देश हमारी शान है। हम भारत के मतदाता है, नहीं जब हो जाए तो आप हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान है। आपको भी आगे जरूरी है यही सूचना दे देना तुम दोस्त रिलेटिव यारों को। इसी तरह से मिलता बढ़ता हमें चुनावी ज्ञान है, इसी तरह से मिलता बढ़ता हमें चुनावी ज्ञान है। मतदाता सूची में मिलता हमको एक स्थान है, मतदाता सूची में मिलता हम करना चाहिए। और मेन रूप से इस बार सरकार ने विकलांग लोगों के लिए भी स्लिप की व्यवस्था करवाई है, जिसकी मदद से वो वोट डालने जा सकते हैं। पन्ना कलेक्टर के मार्गदर्शन में स्थानीय आरपी स्कूल में छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को SDERF टीम द्वारा आपदा से निपटने के सिखाए हुनर। दुबई में चमका पन्ना का हीरा, अमानगंज में पेशे से शिक्षक अमन खान ने दुबई में आयोजित एशियाई पावर लिफ्टिंग ब्रांच प्रेस प्रतियोगिता में 155 किलोग्राम वजन उठाकर देश के लिए जीता ब्रांच मेडल। अमन ने देश भर में पन्ना का नाम रोशन किया। इनकी इस जीत से अमानगंज के लोगों में बेहद खुशी है।